गोहद के बरथरा गांव में बनने वाली 45 बीघा भूमि पर गौशाला का कार्य लगभग पूर्ण होने को है, जिसमें बाउंड्री वॉल, टीन शेड के अलावा भूसा हॉल, लेबर रूम, आईसीयू वार्ड भी बनाया गया है, जहां नाबालिग बच्चा लेबर का कार्य करता मिला। वहीं गौ सेवकों ने बताया कि हमारी मांग के अनुरूप एस्टीमेट नहीं बनाया गया, जिसमें हजारों गायों का सर्दी बरसात से बचाव हो सके। मेरा नाम कुलदीप सिंह गुर्जर है और गोहद नगर में हम लोग गौ सेवा का कार्य करते हैं। लगभग 5 वर्षों से गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं और जो सड़कों पर जो गायों की स्थिति घायल अवस्था और चोटिल अवस्था होती है, उनको उपचार कार्य करते हैं। अभी तक लगातार प्रशासन द्वारा गायों की जो स्थिति है वर्तमान में, उनका यह आश्वासन दिया जा रहा था कि अपनी एक शासकीय गौशाला भर रही है, जो वर्तमान में रणवीर सिंह जाटव हस्तशिल्प के मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा एक बयान भी निकाला गया था कि गोहद क्षेत्र में भिंड जिले की सबसे बड़ी गौशाला बनाई जा रही है, जिसमें 5,000 गायों का रखरखाव किया जाएगा, साथ में उपचार की व्यवस्था होगी। लेकिन जब वास्तविक रूप में इस गौशाला का निर्माण कार्य हुआ और 1 करोड़ से लागत से ज़्यादा की गौशाला पास हुई है, जैसा आप देख सकते हैं 40 बीघा से ज़्यादा फैली हुई है, लेकिन जैसा इसका बताया गया वैसा वास्तविक तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ गायों के लिए 2 ही टीन शेड हैं, 1 भूसा घर है और 1-2 कमरे हैं, जिसमें सिर्फ 2 टीन शेडों में 100 से ज़्यादा गाय नहीं आ सकती। और गोहद से गोहद चौराहा क्षेत्र तक कम से कम 2 से 2,500 गायों की माहवारा मात्रा है, जो कि प्रतिदिन फिरती है। अगर 100 गायों के लिए इसमें इंतजाम है तो बाकी गायों का क्या हुआ। और इसमें भी जैसे गुणवत्ता का गौशाला की बात करें तो गौशाला में आप देख सकते हैं कि कितनी खराब गुणवत्ता का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर माटी डाली गई है तो उस माटी पे बुलडोजर भी नहीं चलाया गया है, पानी में अभी भी कीचड़ हो गया है, माटी धसक रही है। सभी को पता हुआ है कि गाय जो होती है वो गंदगी में बिल्कुल नहीं बैठती, कि जो 100 गाय भी रह सके तो उनके लिए सर्दी गर्मी बरसात का हो। 1 करोड़ से अधिक की राशि जो पास हुई है उसका पता नहीं चला कि कहाँ गई। आखिर क्या ही स्थान है गौशाला, कोई व्यक्ति गायों को घर पर तो बांधेगा नहीं जिसका समाधान हो सके। अब जब गौशाला में ही गायों को स्थान नहीं दिया जाएगा तो फिर आखिरकार गाय क्या होगा। इसका मतलब यही है कि बीजेपी शासन और जो वर्तमान। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।